जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। सरयू के तीर जो धाम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। सरयू के तीर जो धाम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। मैं छोड़ के सारे काम सखी अयोध्या जाऊंगी। मैं छोड़ के सारे काम सखी अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। वही मिलेंगे वीर हनुमान सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। वही मिलेंगे वीर हनुमान सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म में मेरे श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्म मेरे श्री राम सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। राम नाम की नौका में प्यारे, राम नाम की नौका में प्यारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, भव से पार ये सबको उतारे, भव से पार ये सबको उतारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। राम नौका की अद्भुत कहानी, बैठ के इसमें डूबे न प्राणी, राम नौका की अद्भुत कहानी, बैठ के इसमें डूबे न प्राणी। उसको मिल जाते, उसको मिल जाते, उसको मिल जाते हैं सब किनारे, उसको मिल जाते हैं सब किनारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। पाप से मुक्त हो जाता जीवन, खत्म हो जाती सारी ही उलझन, पाप से मुक्त हो जाता जीवन, खत्म हो जाती सारी ही उलझन। जिंदगानी 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 सभी की सवारे, जिंदगानी सभी की सवारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। राम का नाम बड़ा अनमोल, देख ले एक बार तू बोल, राम का नाम बड़ा अनमोल, देख ले एक बार तू बोल। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, ना जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम, अब भी वक्त है ना जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, ना जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का अहम की माला तोड़ के प्राणी सब कुछ राम पे छोड़ के प्राणी, सब कुछ राम पे छोड़ के प्राणी। हाथ जोड़ के कह दे सब तेरा है भगवान, भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। दो पल की है तेरी जिंदगानी क्यों करता है तू यूं मनमानी, क्यों करता है तू यूं मनमानी। तेरी मनमानी का सही होगा ना परिणाम, भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा कर्मों का लेखा ही काम आएगा, कर्मों का लेखा ही काम आएगा। इस सच्चाई को तू क्यों भूलता है नादान, इस सच्चाई को भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डागर रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की भर, मीठे मीठे बेरन की भर लाई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शाम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। मेरे प्रभु जी भूल गए क्या, मेरे प्रभु दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ, दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे ओ रामा, मुझको दर्शन दे ओ रामा डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पालना छुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो माखन मिश्री राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरे प्यारे सनातन प्रेमी भाइयों, आप सभी को रविराज की तरफ से राम राम। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और बाबा तुलसीदास द्वारा वर्णित रामचरितमानस की वही कहानी एक नए अंदाज में सुना रहा हूँ। उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। वाल्मीकि ने लिखी है तुलसी तुलसीदास ने कही है, आज वो ही कथा दोहराते हैं। चौथापन है आया जब पुत्र न होने पाए, अयोध्या में दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए। अग्नि से प्रकट खीर रानियों को खिलवाए, पुत्र रूप में राम लखन भरत शत्रुघ्न पाए। खुशियाँ चारों ओर छाई, सभी दे रहे बधाई, सोहर मिलजुल के नर नारी गाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। श्री राम को वन जाने का आदेश देकर महाराज दशरथ पुत्र मोह में पड़कर राम से कहते हैं कि बेटे, तू अयोध्या का युवराज है, राजा की कुर्सी पर पहला हक तुम्हारा है। बेटे तू एक काम कर, मेरी बात मानने से इनकार कर जा और तू वन को मत जा। इस पर प्रभु राम कहते हैं कि पिताश्री, आप हमारे कुल की परंपरा को भूल रहे हैं। हमारे कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन ना जाई। इस तरह से राम जी वन के लिए निकल जाते हैं और पुत्र के वियोग में राम राम कहते हुए राजा दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अयोध्या से वनवास राम जब चले आए, पुत्र का वियोग दशरथ नहीं सह पाए। राम राम रटते रटते प्राण कंठ में आए, प्राण निकले तन से बैकुंठ लोक को पाए। प्राण निकले तन से बैकुंठ लोक को पाए। कर ले राम की तू भक्ति, मिले सुख शांति मुक्ति, राम ही पार भव से लगाते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, माँ गंगा का वो पावन तट जहाँ से प्रभु राम को गंगा पार करके अपनी आगे की यात्रा पर जाना था। प्रभु राम अपने भाई लखन और अपनी पत्नी भारतेश्वरी माता सीता के साथ श्रृंगवेरपुर घाट पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनको केवट भैया मिलते हैं। अब केवट भैया से राम जी कहते हैं कि केवट भैया, हमें गंगा के उस पार जाना है, तो आप हमें गंगा के उस पार पहुंचा दो। केवट भैया प्रभु राम को जब देखते हैं तो उनके चेहरे का तेज देखकर वो पहचान जाते हैं और फिर मनहर अवधी भाषा में केवट भैया कहते हैं, नाही प्रभु नाही, और सब तो ठीक है, लेकिन हम आपके गंगा पार नहीं पहुंचा सकत हैं। हम सुने रहे कि आप ही के पैरवा से लग के पत्थर का शिला नारी बन गई रही। अब आप ही बताओ माई बाप कि आपके पैरवा से लग के अगर हमारी नैया भी नारी बन गई, तो एक तो पहला ही से घर में है और एक दूसरी नारी लेके हम का करब। और हमारी नैया अगर नारी बन गई तो हमारे बाल बच्चा का खाई हैं, हम कहाँ जाइब, का करब। देखो प्रभु, हम कुछ ना ही जानत हैं। अगर आपको गंगा जी के पार जाना है ना, तो आपके अपने चरण धुलावे के पड़ी, ताकि आपके चरण की धूली पानी के साथे धुल जाई और हमरी नैया बच जाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवट की जिद के पीछे उसके मासूमियत को पहचान जाते हैं और अपने चरणों को धोने की अनुमति दे देते हैं। गंगा पार पहुंच के जब राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है, वहां पर माता सीता अपनी मुंदरी उतारती हैं, जिसे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि पिय ही हित सिय जानन हारी, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी। मुंदरी उतारकर माता सीता देती हैं कि प्रभु उतराई के रूप में से आप केवट को दे दीजिए। और केवट ठहरा उत्तर प्रदेश का जिद्दी, वो कहता है कि नहीं, मैं तो उतराई लूंगा नहीं। प्रभु राम कहते हैं क्यों? तो केवट कहता है कि भैया भले हम अलग अलग हैं, आप प्रभु हैं, मैं सेवक हूं, लेकिन काम तो हमारा एक ही है। लक्ष्मण जी अचंभित होकर केवट से पूछते हैं, केवट भैया आप और हम एक जैसा काम कैसे कर सकते हैं? तो केवट बेहद मासूमियत से वीर लक्ष्मण को समझाते हैं कि अरे लखन भैया, जैसे हम गंगा पार करावत हैं, वैसे ही प्रभु भव से पार करावत हैं। तो आज हम आपसे उतराई नहीं ले रहे, और जब हम आएंगे तो आप हमसे भाव से पार करवाने का कुछ मत लेना। इस तरह से प्रभु केवट की बात मानकर वहां से आगे बढ़ते हैं। केवट पुकारे प्रेम से तो राम जी मिले आके, धोया पावन चरणों को देखे प्रभु मुस्का के। राम लखन सीता को संग नाव में लाया, भव से पार जो करते उनको पार पहुँचाया। प्रभु दे रहे खेवाई, केवट ले नहीं उतराई, अंत में उसको स्वर्ग ले जाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। महर्षि गौतम के श्राप से रानी अहिल्या पत्थर स्वरूप हो गई थी। प्रभु राम अपने वनवास की यात्रा के क्रम में जब उस शिला के समीप आते हैं, तो अपने चरणों के स्पर्श से उस शिला को नारी बना देते हैं। और उनके नारी बनने के बाद प्रभु श्री राम उन्हें मां कहकर संबोधित करते हैं। इस बात से यह सीख मिलती है कि अगर ईश्वर ने आपको ऊंचाई दी है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो किसी दबे को, किसी कुचले को, समाज द्वारा बहिष्कृत किसी इंसान को आप आदर दें, सम्मान दें, उसका मनोबल बढ़ाएं। तभी सच्चे मायने में आप राम भक्त कहला सकते हैं, तभी सच्चे मायने में आप राम को मानने वाले कहला सकते हैं। माँ अहिल्या के उद्धार से हमें यही सीख मिलती है। जय सिया राम। नारी बनी पत्थर गौतम ऋषि के शाप से, तारने अहिल्या को आए अभिशाप से। पत्थर भी बनी नारी चरणों की धूलि को पाके, दरस दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या के। महिमा राम की है भारी, जाने ये दुनिया सारी, राम नाम लेके पत्थर भीतर जाते हैं। रावण जब माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका की ओर ले जा रहा था, जिस रास्ते से रावण जा रहा था उसी रास्ते में जटायु जी का आवाज था। जटायु जी के कानों में जब आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ हे राम, लक्ष्मण बचाओ, कोई तो बचाओ, वहां पर जटायु एक पल की भी देरी किए बिना उड़कर आकाश मार्ग में जाते हैं और यह जानते हुए कि वह रावण को हरा नहीं पाएंगे, रावण से लड़ते हैं। रावण जब अपने चंद्रहंस खड़ग से उनके पंख काट देता है तब वह आकर जमीन पर गिरते हैं, मगर शरीर में जान रहते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं सीता को किसी भी तरह बचा लूं। घायल जटायु जमीन पर गिरे होते हैं, जहां पर प्रभु राम आते हैं और उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर जब यह जान लेते हैं कि सीता के कारण उनकी यह दशा हुई है, सीता की रक्षा करने के क्रम में उनके पंख कटे हैं, तो प्रभु श्री राम उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि हे पक्षीराज जटायु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दें। इस पर जटायु जी कहते हैं कि प्रभु, आपके गोद में अगर मेरे प्राण निकल रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, इससे बड़ी दौलत मुझे कौन से मिल सकती है। इन वचनों को कहकर राम राम कहते हुए जटायु जी अपना नश्वर शरीर छोड़ देते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। सुनकर पुकार सिया की आकाश में उड़कर आया, लंकापति रावण से जटायु जाके टकराया। घायल जटायु गिर के गगन से जमी पर आया, मौत सामने थी वो राम नाम चिल्लाया। मौत सामने थी वो राम नाम चिल्लाया। लिया जटायु ने नाम, मौत को भी रोके राम, अपने सीने से भक्त को लगाते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। माता शबरी गुरु मतंग की शिष्या और प्रभु राम की अनन्य भक्त सालों से प्रभु राम की राह देख रही थी। प्रभु राम जब माता शबरी की कुटिया में आते हैं तो माता शबरी बेर चख चख कर चुन चुन कर इकट्ठा करके रखी होती है, वही बेर माता शबरी प्रभु राम को खाने को देती है। प्रभु राम और भाई लक्ष्मण उस बेर को खाते हैं। हालांकि बेर जूठे थे, मगर प्रभु श्री राम बड़े प्यार से और बड़ा आनंद लेकर वो बेरों को खा रहे थे, मगर लक्ष्मण जी बेरों को हिचकिचाकर खा रहे थे और नजर बचाकर फेंक दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंका वो बेर पहुंचा ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर वही बेर जिसने संजीवनी बूटी का रूप लिया और वही संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए जब वो युद्ध में मूर्छित पड़े हुए थे। नील ने माता शबरी को राम लखन आते हैं, भिलनी को माता कह राम जी बुलाते हैं। बेर दिए शबरी ने राम मेरे खाते हैं, झूठे बेर खाने में लखन हिचकिचाते हैं। झूठे बेर खाने लगी लखन को जब शक्ति, वही बेर बना बूटी, जिसे हनुमान जाकर पिलाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। प्रिय सनातन प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि आजकल का जीवन भाग दौड़ से भरा है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि गृह कारज नाना जंजाला। इसलिए मैं कहता हूं और आप सब जानते भी हैं कि जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न मिले काम से, थोड़ा सा वक्त निकाल ले, कर ले प्रेम राम से, अपना काम भी करते रहें और प्रभु का स्मरण रखें, उन्हें याद करते रहें, ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कर सकें और उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमारा मनोबल और दृढ़ हो। और चाहे खुशी हो या गम हो, उतार हो या चढ़ाव हो, जीवन का बैलेंस बना रहे। आप सभी राम भक्तों को मैं रविराज एक बार फिर प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और किसी भी त्रुटि के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। जय जय सिया राम। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न होगी काम से, राम राम कह ले बंदे, प्रेम कर ले राम से, राम राम कह ले बंदे, प्रेम कर ले राम से। संजय की मानो बात कटे जिंदगी आराम से, रवि कहे प्राणी नाता जोड़ ले तू राम से, रवि कहे प्राणी नाता जोड़ ले तू राम से। अपने भक्तों के प्यारे राम सबके सहारे, राम सबकी ही बिगड़ी बनाते हैं। वनवास की यात्रा के क्रम में जब उस शिला के समीप आते हैं, तो अपने चरणों के स्पर्श से उस शिला को नारी बना देते हैं। और उनके नारी बनने के बाद प्रभु श्री राम उन्हें मां कहकर संबोधित करते हैं। इस बात से यह सीख मिलती है कि अगर ईश्वर ने आपको ऊंचाई दी है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो किसी दबे को, किसी कुचले को, समाज द्वारा बहिष्कृत किसी इंसान को आप आदर दें, सम्मान दें, उसका मनोबल बढ़ाएं। तभी सच्चे मायने में आप राम भक्त कहला सकते हैं, तभी सच्चे मायने में आप राम को मानने वाले कहला सकते हैं। माँ अहिल्या के उद्धार से हमें यही सीख मिलती है। जय सिया राम। नारी बनी पत्थर गौतम ऋषि के शाप से, तारने अहिल्या को आए अभिशाप से, तारने अहिल्या को आए अभिशाप से। पत्थर भी बनी नारी चरणों की धूलि को पाके, दरस दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या के, दरस दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या के। महिमा राम की है भारी, जाने ये दुनिया सारी, राम नाम लेके पत्थर भीतर जाते हैं। रावण जब माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका की ओर ले जा रहा था, जिस रास्ते से रावण जा रहा था उसी रास्ते में जटायु जी का आवास था। जटायु जी के कानों में जब आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ हे राम, लक्ष्मण बचाओ, कोई तो बचाओ। वहां पर जटायु एक पल की भी देरी किए बिना उड़कर आकाश मार्ग में जाते हैं और यह जानते हुए कि वह रावण को हरा नहीं पाएंगे, रावण से लड़ते हैं। रावण जब अपने चंद्रहंस खड़ग से उनके पंख काट देता है तब वह आकर जमीन पर गिरते हैं, मगर शरीर में जान रहते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं सीता को किसी भी तरह बचा लूं। घायल जटायु जमीन पर गिरे होते हैं जहां पर प्रभु राम आते हैं और उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर जब यह जान लेते हैं कि सीता के कारण उनकी यह दशा हुई है, सीता की रक्षा करने के क्रम में उनके पंख कटे हैं, तो प्रभु श्री राम उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि हे पक्षीराज जटायु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दें। इस पर जटायु जी कहते हैं कि प्रभु, आपके गोद में अगर मेरे प्राण निकल रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, इससे बड़ी दौलत मुझे कौन से मिल सकती है। इन वचनों को कहकर राम राम कहते हुए जटायु जी अपना नश्वर शरीर छोड़ देते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। सुनकर पुकार सिया की आकाश में उड़कर आया, लंकापति रावण से जटायु जाके टकराया। घायल जटायु गिर के गगन से जमी पर आया, मौत सामने थी वो राम नाम चिल्लाया। लिया जटायु ने नाम, मौत को भी रोके राम, अपने सीने से भक्त को लगाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। माता शबरी गुरु मतंग की शिष्या और प्रभु राम की अनन्य भक्त सालों से प्रभु राम की राह देख रही थी। प्रभु राम जब माता शबरी की कुटिया में आते हैं तो माता शबरी बेर चख चख कर चुन चुन कर इकट्ठा करके रखी होती है। वही बेर माता शबरी प्रभु राम को खाने को देती है। प्रभु राम और भाई लक्ष्मण उस बेर को खाते हैं। हालांकि बेर जूठे थे मगर प्रभु श्री राम बड़े प्यार से और बड़ा आनंद लेकर वो बेरों को खा रहे थे, मगर लक्ष्मण जी बेरों को हिचकिचा कर खा रहे थे और नजर बचाकर फेंक दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंका वो बेर पहुंचा ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर वही बेर जिसने संजीवनी बूटी का रूप लिया और वही संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए जब वो युद्ध में मूर्छित पड़े हुए थे। नील ने माता शबरी को राम लखन आते हैं, भिलनी को माता कह राम जी बुलाते हैं। भिलनी को माता कह राम जी बुलाते हैं। बेर दिए शबरी ने राम मेरे खाते हैं, झूठे बेर खाने में लखन हिचकिचाते हैं। लगी लखन को जब शक्ति, वही बेर बना बूटी, जिसे हनुमान जाकर पिलाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। प्रिय सनातन प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि आजकल का जीवन भाग दौड़ से भरा है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि गृह कारज नाना जंजाला। इसलिए मैं कहता हूँ और आप सब जानते भी हैं कि जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न मिले काम से, थोड़ा सा वक्त निकाल ले, कर ले प्रेम राम से, अपना काम भी करते रहें और प्रभु का स्मरण रखें, उन्हें याद करते रहें, ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कर सकें और उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमारा मनोबल और दृढ़ हो। और चाहे खुशी हो या गम हो, उतार हो या चढ़ाव हो, जीवन का बैलेंस बना रहे। आप सभी राम भक्तों को मैं रविराज एक बार फिर प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और किसी भी त्रुटि के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय सिया राम। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न होगी काम से, राम राम कह ले बंदे, प्रेम कर ले राम से, राम राम कह ले बंदे, प्रेम कर ले राम से। संजय की मानो बात, कटे जिंदगी आराम से, रवि कहे प्राणी नाता, जोड़ ले तू राम से, रवि कहे प्राणी नाता, जोड़ ले तू राम से। अपने भक्तों के प्यारे, राम सबके सहारे, राम सबकी ही बिगड़ी बनाते हैं, मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं, मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तुझ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही, राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।